हेलो एवरीवन, आई एम अटाय शर्मा, रिकॉर्ड में चैनल आ गए आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 2017 में, क्वेश्चन वन का बी पार्ट। आपका क्वेश्चन है, सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑल रेशनल्स इन 0 to 1 इज अ बाउंडेड फंक्शन विच इज नॉट आर इंटीग्रल। मीन्स आपको गिवेन है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर कहाँ पे, 0 से 1 में, और आपको बाउंडेड फंक्शन है तो शो करनी है कि आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0 से 1 में है आपका गिवन, तो क्या लिखोगे, सिंस द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, एफ जो कहाँ है 0 से 1 में, आर इज डिफाइंड बाय क्या होगा भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू, दो कंडीशन दिया इसमें होता है आपका, एक होता है 0 व्हेन क्या होगा, एक्स इज क्या होता है रेशनल, एंड सेकंड इज 1 when x is okay। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का कहानी। अब चलो इसी में हम आपको एक बात तो क्लियर है, फंक्शन क्या मैंने बाउंडेड कहाँ से 0 से 1 में, एक बात यहाँ स्पेसिफाई कर दोगे, इट इज क्लियर दैट द फंक्शन इज बाउंडेड ऑफ 0 से 1, ठीक है, बाउंडेड आपका गिवन है 0 से 1 में, तो फिर वो तो आपको यहाँ पे शो क्या करना है, बाउंडेड फंक्शन गिवन है शो करना है इज नॉट आर इंटीग्रेबल। अब आपको अब क्या शो करनी है, तो क्या लिखोगे, नाउ वी आर गोइंग टू सो दैट, क्या शो करना है भाई, तो एफ इज या फिर एफ के जगह फंक्शन के, तो सो दैट फंक्शन इज नॉट क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेबल किसके बीच में भाई, तो ओवर 0 to 1, ठीक है, आर इंटीग्रेबल आपको नहीं है वो शो करनी है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, तो लेट कोई पार्टीशन मानो, लेट पी इक्वल्स टू 0 आपका किसका वैल्यू होगा, एक्स जीरो का, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन, ये चला जाएगा आपका एक्स एन जो है आपका 1, क्लियर, ये हो गया पार्टीशन किसका, तो बी एनी पार्टीशन ऑफ 0 to 1, इसको थोड़ा सही से लिखो, 0 to 1, ठीक है, अब सॉरी चलिए, एंड ऑल्सो लेट अब एल आर ऑल्सो लेट एम आर एंड एम आर बी सुप्रीमम एंड इन्फीमम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन गिवन था, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन कैसे हो ये रहा, फिर आपको बाउंडेड गिवन ऑलरेडी, तो बाउंडेड दे रखा, तो आपको प्रूफ शो करनी है कि फंक्शन अन इंटीग्रेबल नहीं होगा, उसके लिए कोई पार्टीशन मान लिए पी, ठीक है, जहाँ पे 0 आपकी वैल्यू हो गई एक्स 0 की, और एक्स एन की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि 0 से 1 आपका क्या दे रखा है, ये बाउंडेड। चलो फिर एम आर आपका हो गया सुप्रीमम का वैल्यू, और स्मॉल एम आर का हो गया इन्फीमम का, उसके बाद अब इसी का होगा सुप्रीमम इन्फीमम,
अब बताइए, तो आपका गिवन यहाँ से आ गया, और फंक्शन एफ का है किसमें होगा पहले ही बता देते। ये तो सुप्रीम इन्फिम आपने मान लिया, फंक्शन एफ का, तो ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, ये इसी का इंटरवल था यहाँ पे, जैसे माने थे ना इसमें उसी का। अब बताइए यहाँ से आपके पास क्या क्या वैल्यू मिला। सो वी हैव एम आर की वैल्यू बताइए, जो आपका कैपिटल एम का वैल्यू कितना है, वन, एंड स्मॉल एम आर जो एम के इक्वल है इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। देखो जीरो से वन में आपको क्या क्या वैल्यू है डिफाइन, तो स्मॉल एम आर की वैल्यू छोटू वाला जीरो हो जाएगा, और कैपिटल एम आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, वन। जहाँ पे अब यहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ था, दो भी लिख दो, वेयर आर इक्वल्स टू कहाँ से, वन टू थ्री से लेके कहाँ तक, एन तक, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़िए इसी में। अब एक बात बताइए, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, एवरी सब इंटरवल, एवरी सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर ऑफ 0, 1, ठीक है, कंटेन्स रैशनल एज वेल एज इरेशनल, ठीक है, रैशनल एज वेल इरेशनल पॉइंट्स। बताइए ना, यहाँ से यूपी का वैल्यू निकालोगे, यूपी मीन्स वो वाला यूपी नहीं, फिर से देख लीजिए। अब एक बात आपको पता है, सब इंटरवल जो है इसमें आपका रैशनल पॉइंट भी होगा और इरेशनल पॉइंट भी है, होगा दोनों होगा अवेलेबल। तो अब यहाँ से यूपी की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, इट विल बी समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू वन से लेके एन तक, क्या हो जाएगा, एम आर डेल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए। तो इम्प्लाई यहाँ से यूपी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ठीक, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू वन से एन, अब एम आर की वैल्यू कितनी है, वन, तो क्या हो जाएगा आपका, वन इंटू आर डेल आर हो गया 1 माइनस 0, डेल मीन्स अपर मीन्स सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटम की वैल्यू, मीन्स दैट इज हो जाएगा कितना, हाँ देखो 0 से 1 है तो 1 माइनस 0 डेल आर की वैल्यू। अब ये बताइए कितनी हो गई आपकी, यहाँ से इम्प्लाइज यूपी की वैल्यू आ गया भाई साहब यहाँ से आपका 1, इसको याद रखना, यूपी की वैल्यू आ गई 1, इसको सर नोट करिए इस वाले पार्ट को, इरेज करा, हाँ जी नोट कर लिया। चलिए अब एल पी का वैल्यू क्या होगा सो बताइए। सिमिलरली इसी बेसिस पर निकालोगे, यू पी जैसे निकालिए फाइन, तब एल पी फाइन करना है। चलिए जैसे वहाँ था उसी पैटर्न पे आपका, जैसे यू पी था यहाँ पे, अब एल पी होगा, एंड अब एल पी का हो जाएगा क्या, देखो समेशन आर इक्वल्स टू वन से लेके एन, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एम आर डेल आर, क्लियर। अब बताइए एम आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, इट इज 0, और यहाँ पे हो जाएगा एम आर की वैल्यू 0 है आपकी। अब बताओ 1 माइनस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा ये, तो इम्प्लाइज एल पी इक्वल्स टू 0 इंटू 1 माइनस 0, इम्प्लाइज यहाँ से एल पी की वैल्यू कितनी आ गई, जो दो बातें यहाँ से आ गई एल पी और उसके वैल्यू। अब यहाँ पे एक बात बताइए, एल पी का तो वैल्यू आपका 0 आ गया, अब हर पार्टीशन के लिए इसमें, नाउ फॉर एवरी पार्टीशन के लिए, यहाँ पे आप कोई भी पार्टीशन लोगे किसका है, जैसे गिवन था किसका, एवरी पार्टीशन ऑफ पी ऑफ 0 टू 1, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने यू का वैल्यू, यू पी का वैल्यू बताइए कितना हरा 1, तो यहाँ पे प्लस क्या मिला, वी हैव यू पी की वैल्यू आपके पास आ रही है 1, एंड एल पी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 0,
दो बातें यहाँ से थी, यहाँ से आपके पास मिला क्या, यूपी और एलपी इक्वल है कि नहीं है पहले सो बताओ। सिंस तो यहाँ से मिला क्या इम्प्लाइज यूपी आपका क्या है नॉट इक्वल टू एलपी, या फिर और तरीके से लिखोगे तो ए से बी एफ इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल। इस दोनों का मैंने दो तरीका से लिख सकते हो, तो यूपी माइनस नॉट इक्वल टू एलपी लिखो या फिर इंटीग्रल ऑफ एफ ए से बी, यहाँ पे वही बाउंड है, अपर बाउंड है या फिर लोअर बाउंड लिमिट है। ओके अब जैसे ये दोनों आपके पास आए थे, यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आया, आर इंटरवल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इक्वल होता तो आर इंटरवल होता, नहीं तो नहीं होता, तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, विच शोज दैट एफ इज नॉट आर इंटीग्रेबल, एफ इज नॉट आर इंटीग्रेबल। ओके गाइस, तो इसको समझ गए यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।